गाइस इंडियन बैंक ड्राइविंग सिटी के अंदर आपस फ्रैंकलिन के हाउस में गाइस देख सकते हो आपस पूरी तरह से लावा घुस चुका है गाइस। एंड फ्रैंकलिन ने गाइस इन सारे लावा को कैसे दूर किया एंड गाइस फ्रैंकलिन जो यहाँ पास छत में कैसे ऊपर चला एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आओ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। मेरे बॉस का जो यहाँ पास फोन आया था गाइस काफी सुबह सुबह से एंड वो बता रहा था गाइस कि यहाँ पास कार शोरूम के अंदर काफी ज्यादा कार यहाँ पास सेल हो चुका है गाइस एंड उसे हमें यहाँ पास डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। तो चलो यहाँ पास जल्दी चलते हैं गाइस, लेट्स गो। एंड आप लोग को पता ही होगा गाइस हमारे कार शोरूम यहाँ पास काफी ज्यादा बड़ा है एंड उसमें काफी ज्यादा मतलब कि कस्टमर आते हैं जो कि यहाँ पास काफी जल्दी यहाँ पास न्यू कार को यहाँ पास बाय कर लेते हैं हमारे कार शोरूम से। एंड हमारे कार शोरूम में गाइस यहाँ पास BMW भी है एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज गाइस जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइस प्लीज। एंड यहाँ पास हम लोग को सिंपली जाना पड़ेगा गाइस जल्दी से यहाँ पास कार शोरूम एंड यहाँ पास देख लेते गाइस कि अपना जो यहाँ पास कार शोरूम के अंदर कितने सारे यहाँ पास कार को हम यहाँ पास डिलीवर करके लिए जाना है गाइस। एंड सारे के सारे कार गाइस यहाँ पास बहुत सारे कार यहाँ पास बाय मतलब कि सेल हो चुके हैं गाइस एंड बस गाइस उसको हम लोग आपको जल्दी से वापस डिलीवर करने उन लोग उस कार के ओनर के पास। तो चलो चलते हैं गाइस कि हम लोग के पास कितने कार हैं हम लोग चलो जल्दी से देख लेते हैं। एंड मेरे हिसाब से गाइस सारा का सारा कार यहाँ पास हो गई क्योंकि इतने सुबह सुबह कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि गाइस यहाँ पास जो मेरे बॉस है गाइस ये काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंडली दोस्त हैं इसलिए गाइस मुझे काफ़ी जल्दी सुबह सुबह बुला लिए हैं क्योंकि गाइस इसके कार के अंदर मतलब कार शोरूम के अंदर और भी न्यू कार आने वाले हैं एंड देख सकते हो गाइस इतने सारे कार कल यहाँ पास सेल हो चुके हैं। एंड हमें यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास सुपरा कार को लेके जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर इसका लोकेशन चलो चेक कर लेते हैं एंड इसको गाइस हम लोग को लेके जाना पड़ेगा यहाँ पास विलेज वाली एरिया पर। तो चलो कोई बात नहीं गाइस जल्दी चलते हैं विलेज वाली एरिया एंड ये वाली की सुपरा कार को जल्दी से यहाँ पास इसके ओनर के पास हम लोग यहाँ पास डिलीवर करके आ जाते हैं एंड डिलीवर करने के बाद गाइस देख लेते गाइस कि नेक्स्ट कार हमें यहाँ पास कौन से यहाँ पास लेके डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा। एंड इसके ओनर को गाइस मैं जल्दी से फ़ोन करके बुला लेता हूँ गाइस यहाँ पास रोड के सामने। अगर गाइस मैं विलेज वाली एरिया पर लेके गया तो गाइस इसका जो ओनर है गाइस मतलब सुपरा के ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पास हल्का से भी अगर मैं आपको बता दूँ गाइस इस कार में स्क्रैच आया तो गाइस इसके ओनर हम लोग को छोड़ेंगे नहीं गाइस एंड इसे मुझे केयर करके ले जाना पड़ेगा। आप लोग को पता है गाइस अगर यहाँ पास अगर इसको फुल स्पीड में लेके चलता अगर इसका सामने का बोनट या फिर पीछे का पैनल अगर इसमें निकल गया गाइस तो अपने यहाँ पास तो पूरी तरह से यहाँ पास लॉस हो जाएगा एंड अपनी कंपनी से गाइस फिर कोई भी अपना कार को यहाँ पास बाय करेगा ही नहीं इसलिए गाइस हम लोग को यहाँ पास धीरे धीरे के लिए जाना है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली हम लोग यहाँ पास विलेज वाली एरिया पर पहुँच चुके हैं लेकिन वेट भाई मैं तो डर ही गया था गाइस कहीं अपना सुपरा के यहाँ पास हल्का सा भी स्क्रैच ना आ जाए एंड फाइनली गाइस इसमें स्क्रैच तो नहीं आया लेकिन गाइस इसका ओनर यहाँ पास गायब हो गया एंड ये मैडम कैसे भाई ये क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं गाइस एंड इसका ओनर तो गाइस सामने है कल यही तो आया था यहाँ पास अपने कार शोरूम में कार लेने एंड ये तो फाइनली गाइस इसके ओनर हम लोग को फाइनली मिल चुका है। एंड चलो यहाँ पास जल्दी से कार को यहाँ पास दे के चलते हैं इसको, लेट्स गो। चलो इसे जल्दी से हम लोग इसका की रिंग दे देते हैं एंड फाइनली गाइस यहाँ पास इससे बातचीत कर लेते हैं गाइस कि ओनर क्या बोल रहे हैं। तो गाइस वेट चलो इसे मैं जल्दी से की देता हूँ गाइस कि यहाँ पास इसका जो सारा पैसा इजी ऑटोमेटिकली यहाँ पास ऑनलाइन पे कर चुका है ये एंड इससे मुझे कोई भी पैसा नहीं लेना है एंड सीधे इसका की रिंग मैं दे देता हूँ एंड चलते हैं गाइस यहाँ पास नेक्स्ट कार की डिलीवर लेने मतलब लेने नहीं गाइस हम लोग यहाँ पास खुद देने जा रहे हैं सॉरी। एंड फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पास कार शोरूम भी पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पास हमें यहाँ पास न्यू कार को यहाँ पास फाइंड मतलब कि फाइंड नहीं करना। चलो देख लेते गाइस हमारे लिए यहाँ पास कौन सा कार को यहाँ पास डिलीवर के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पास से गाइस देख लेते कार शोरूम के अंदर एंड अभी भी गाइस सारे का सारे यहाँ पास कार अंदर में ही है आप लोग यहाँ पास देख सकते हो एंड एक भी कार या गाइस लगता है गाइस यहाँ पास सुबह से कोई भी नहीं आया है एंड सबसे सुबह गाइस मैं ही आया था। एंड चलो गाइस इस बार हमें लेके जाना है निसान GTR को। तो चलो गाइस एंड इसका लोकेशन कौन सा है चलो देख लेते हैं एंड इसको लेके जाना है कि हम लोग यहाँ पास रेलवे स्टेशन के पास। तो चलो कोई बात नहीं कि चलो जल्दी चलते हैं रेलवे स्टेशन एंड इसके ओनर को गाइस फ़ोन करके बुला लेते हैं गाइस रेलवे स्टेशन के पास। एंड अगर यह इसका मतलब कि ओनर इससे लेट हो गया तो गाइस हम क्या ही करेंगे वापस खड़े होकर इसलिए गाइस इसका ओनर को मैं वापस फ़ोन कर देता हूँ कि गाइस कि आपस कार शोरूम से आपस कार निकल चुका है एंड आप जल्दी से गाइस रेलवे स्टेशन पर आ जाना ऐसा करके मैं फ़ोन कर दिया हूँ जो कि यहाँ पास उसका जो वापस ओनर यहाँ पास आता ही होगा। तो चलो देख लेते हैं गाइस इसका ओनर कितना समय लगाता है। एंड फाइनली वेट भाई ये क्या हो रहा था भाई फाइनली गाइस एक्सीडेंट होते होते बचा गाइस अगर इसमें एक भी स्क्रैच आ जाता आप लोग को पता ही है लेकिन वेट भाई यहाँ पास मैं सुपरा यहाँ पास डिलीवर किया था ये तो अभी तक अपना कार को लेके अंदर गया ही नहीं शायद किसी को बुलाने गया होगा। तो चलो कोई बात नहीं एंड ये वाली निसान GTR को चलो जल्दी से इसे भी डिलीवर कर देते हैं। एंड फाइनली कैसे आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पास रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं लेकिन इसका ओनर मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन वेट भाई ये तो पहले से आकर यहाँ पास मतलब कि रनिंग कर रहा है भाई चलो कोई बात नहीं एंड यहाँ पास चलो एग्जिट करते हैं एंड जल्दी से फटाफट से यहाँ पास निसान GTR के यहाँ पास इसका की दे देते हैं एंड मुझे की देने से पहले इससे बातचीत करना पड़ेगा।
एंड गाइस ये बोला गया कि इसे अब यहाँ पास आधा घंटा और समय लगेगा, क्योंकि गाइस इसका जो यहाँ पास जो बहन है ये यहाँ पास रेलवे स्टेशन में रेल में ही आने वाला है, तो इसको वेट करना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या गाइस, हमें इससे जल्दी से की दे देना है। एंड की देखे गाइस हम लोग चलो फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। तो चलो यहाँ पास जल्दी से इसका की दे देते हैं। एंड निसान GTR को गाइस काफ़ी मतलब कि सेफ्टली आपको चलाना पड़ेगा, अगर इस जरा भी डैमेज हुआ गाइस तो हमारी यहाँ पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं, इसे हम लोग को बताना भी पड़ता है। तो चलो देख लेते गाइस जो यहाँ पास विलेज वाली एरिया पर यहाँ पास जो सुपरा कार था ये अभी भी यहाँ पास है या फिर नहीं, या फिर जो इसका ओनर है गाइस ये लेके चला गया। एंड मेरे हिसाब से गाइस लेके चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पास काफ़ी समय हो चुका है। एंड यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास सच में नहीं है गाइस, लिटरली में गाइस चलो यहाँ पास अपना कार तो ले तो गया। एंड यहाँ पास है गाइस मैं काफ़ी दिनों गाइस मैं कोई भी स्टंट नहीं किया, इसे मुझे करने का मन कर रहा है। चलो ये वाली स्टंट को यहाँ पर जल्दी से फिनिश करके देखते हैं भाई। लेकिन वेट भाई, ये मैं बिल्डिंग की ओर क्यों जा रहा हूँ भाई, लेकिन ये स्टंट काफ़ी खतरनाक थे गाइस। एंड एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना। एंड फाइनली गाइस चलो यहाँ पास कार शोरूम चलते हैं, देख लेते हैं गाइस कि अपने यहाँ पास कौन कौन से हम लोग को कार को दोबारा से फिर डिलीवर करके ले जाना है। एंड गाइस मेरे हिसाब से गाइस अभी सारा का सारा कार हो गई, क्योंकि गाइस अभी तक तो यहाँ पास सुबह है कोई आया ही नहीं होगा। एंड चलो देख लेते, लेकिन वेट अपना जो यहाँ पास देख सकते हो गाइस डिफेंडर ये अभी यहाँ पास से गया है, लेकिन वो अपने डिफेंडर नहीं था, ये कार शोरूम का ही डिफेंडर था। एंड चलो गाइस कोई तो आया था गाइस जो सारे के सारे यहाँ पास कार को यहाँ पास डिलीवर के लिए ले गया है, तो चलो कोई बात नहीं गाइस। एंड चलो हम लोग सीधा अपना जो यहाँ पास सारा वर्क है यहाँ पास पूरी तरह से परफेक्टली कंप्लीट होकर रेडी है। एंड अब हमें यहाँ पास जाना है गाइस न्यू हाउस, जो कि अपना जो आपस सारा काम यहाँ पास वर्क कंप्लीट हो गया है। एंड गाइस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे पता चला गाइस कि अपने सिटी में गाइस यहाँ पास ढेर सारे मतलब कि आग के यहाँ पास ज्वालामुखी के यहाँ पास लावा यहाँ पास मतलब कि जो पत्थर की सहायता से गाइस इसके अंदर आने वाला गाइस। तो चलो देखते हैं गाइस क्या सच में अपने हाउस में भी यहाँ पास ज्वालामुखी आ पाएगा या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से गाइस लावा शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास कितने सारे मतलब स्मोक फैल चुके हैं, लगता है कि इस बारिश होने वाली है। एंड बारिश होगा तो गाइस कहाँ पास हम लोग के यहाँ पास हाउस के अंदर मतलब कि लावा आ पाएगा। एंड मेरे हिसाब से गाइस कोई भी लावा नहीं आ सकता, आप लोग यहाँ पास देख सकते हो गाइस इतने सारे मतलब कि बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। एंड स्मोक के नाम से गाइस हम लोग को कुछ सामने का भी दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग यहाँ पास देख सकते हो। एंड चलो यहाँ पास से जल्दी चलते हैं, लेट्स गो। एंड फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने हाउस। एंड हाउस चलते हैं गाइस। एंड अभी यहाँ पास बारिश तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बारिश भी स्टार्ट शायद हो जाएगा। एंड चलो यहाँ पास थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वेट गाइस यहाँ पास देख सकते हो सच में यहाँ पास बारिश हो रही है गाइस। एंड अब जो यहाँ पास लावा आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल।